Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video I am going to review a skincare product that is by Himalaya, and that is their moisturizing aloe vera gel. And this is how this looks like. So guys, Himalaya ने अपने चार gel based moisturizers launch किए थे. I think it's been like 4-5 months के उन्होंने launch किए थे. And मैंने उनमें से तीन का review किया है, नीम जेल का, केसर जेल, रोज जेल, एंड दिस इज द फोर्थ वन, दैट इज द एलोवेरा जेल. सो आप तीनों के डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो. मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज एनी ऑफ देम, सो आप चेक कर सकते हो. एंड फोर्थ ये आज मेरे हाथ में है एंड जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ. सो गाइज, इस जेल को मैंने अराउंड 1 week तक यूज कर लिया है. आई जस्ट शो यू इट्स टेक्स्चर. तो ये इस तरह का इसका टेक्स्चर है और दिस लाइक ट्रांसपेरेंट है, लाइक ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल. और इसमें ना संभव मुझे ऐसा लगता है क्यूकम्बर की खुशबू आ रही है, आई डोंट नो वाई, बट थोड़ी सी स्ट्रांग फ्रेगरेंस है एलोवेरा एंड क्यूकम्बर की मिक्स. बट वैसे काफ़ी थिन जेल है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, आप देख सकते हो. सो अब अगर आप मेरे से पूछो दैट इज इट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा जेल, आई वुड से नो. बट फॉर मॉइस्चराइजिंग एंड ऑल अच्छा है. इफ़ यू विश टू यूज इट एज अ प्राइमर तब भी अच्छा है. और जितने भी ये हिमालय के जेल्स हैं ना, दैट इज लाइक नीम जेल, रोज जेल, केसर जेल, उन सबसे काफ़ी थिन है ये. सो बाकी जो तीनों जेल्स हैं थोड़े से थिक हैं. सो अगर आप अपने फेस को मसाज करना पसंद करते हो किसी क्रीम से या किसी जेल से, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो. बट अगर आप इसको यूज़ करोगे टू मसाज योर फेस, तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है. सो जैसे मुझे आदत है अपनी स्किन को डेली एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए मैं फेशियल मसाज देती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी जेल बेस्ड प्रोडक्ट से दूँ ताकि बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहे मेरी स्किन. क्रीम से भी कभी कभी करती हूँ, बट आई प्रेफर समहाउ जेल बेस्ड प्रोडक्ट. सो अगर कोई और जेल अवेलेबल नहीं होता तो आई यूज़ एलोवेरा जेल. बट उसके लिए थोड़ा सा थिन है, विच इज़ लाइक ओके, आई कैन ऑलवेज एड सम आलमंड ऑयल और एनीथिंग इन इट. एंड फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ फॉर लाइक 85 रुपीज़. सारे जेल्स इनके 85 रुपीज़ के ही लॉन्च हुए हैं, नायका वगैरह पे या ऑनलाइन आपको डिस्काउंट पे 77 रुपीज़ तक का मिल जाएगा. इससे भी ज़्यादा कभी डिस्काउंट आ गया तो ऑब्वियसली 70 रुपीज़ का मिल जाएगा. सो ऑल इन ऑल अफोर्डेबल है और इसका मेन इंग्रेडिएंट एलोवेरा है. सो अगर आपको हिमालय एज अ ब्रांड से कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल फेस जेल, देन यू कैन डेफिनेटली बाय दिस. बट थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी है, देखो अभी भी ना मैं अभी हल्की सी डिब्बी खुली थी तो ये रह गया, थोड़ी सी रनी है. इसके बाकी जो हिमालय के जेल्स हैं ना वो थोड़े थिक हैं, बट ये काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी में है. सो अगर आप सोच रहे हो कि आप इसे अपने DIYs वगैरह में यूज़ कर लोगे, आई डोंट थिंक दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा जेल. सो मैं ये बोलूँगी मॉइस्चराइज अच्छे से करता है एंड वैसे भी मतलब आई वुड से कि एज अ प्राइमर भी अच्छे से वर्क करता है, बट दिस इज नॉट अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा जेल. सो डोंट यूज इट इन योर DIYs. वैसे अगर आपको एज अ स्लीपिंग मास्क यूज़ करना है आप कर सकते हो, आपको सिर्फ एक थिक लेयर लगा कर रात में सोना है इसकी, आप कर सकते हो. सो यूज़ इट एज अ मॉइस्चराइजर रादर देन इन योर DIYs, बिकॉज इसमें काफ़ी आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस है. सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ एप्ट फॉर यू नो होम मेड और DIYs के लिए. आई बिलीव कि थोड़ा प्योर फॉर्म ऑफ एलोवेरा जेल हो. और मैं ये नहीं कहती कि बाहर वाला ही एलोवेरा जेल हो एज इन जो प्लांट बेस्ड है, बट येस जो बाकी हो उसमें प्रिजर्वेटिव थोड़े कम हो, बट इसमें थोड़े मुझे लगता है इसमें केमिकल्स हैं क्योंकि मुझे उसी तरह की फ्रेगरेंस आती है. बट ऑल इन ऑल इसने मेरी स्किन को इरिटेट नहीं किया, कोई पिम्पल नहीं दिया एंड मेरी स्किन को काफ़ी कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है. और अगर आपको तो यू नो आपकी स्किन पे एक्ने या पिंपल है और आपको अपनी स्किन को काम डाउन करना है, या कभी आप वर्कआउट करके आते हो एंड यू वांट कि आपकी स्किन थोड़ी काम डाउन हो जाए, देन आप इसको फ्रिज में रखो थोड़ी देर एंड उसके बाद इसको अप्लाई करो. बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, कूल डाउन करेगा. दैट यू कैन एक्चुअली डू विद ऑल योर जेल्स. आप उनको फ्रिज में रख सकते हो एंड देन यूज़ देम और आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट होगी, नरिश होगी, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल इफेक्ट मिलेगा आपकी स्किन को. सो ऑल इन ऑल 100 ml का प्रोडक्ट फॉर 85 rupees, आई बिलीव इट्स गुड. और 3 years की इसकी शेल्फ लाइफ है. बट जेल्स वगैरह को आप 6-7 महीने से ज़्यादा मत यूज़ करो. नॉट एग्जैक्टली जेल्स वगैरह को, ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो ब्रांड्स क्लेम करते हैं, बायोटीक, हिमालय वगैरह, ये हमेशा डिस्क्लेमर एक देते हैं कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं दे टेंड टू चेंज देयर कलर आफ्टर अ सर्टन पीरियड. सो इट्स बेटर कि आप उनको 6-7 मंथ्स में फिनिश कर लो. सो जैसे मेरे प्रोडक्ट्स जल्दी फिनिश हो जाते हैं क्योंकि मैं
जो भी आप लोगों के साथ रिव्यू करती हूँ, आई यूजुअली यूज इट ड्यूरिंग माई स्किन केयर. मैं ट्राई करती हूँ तभी यूज करती हूँ, तभी आपके साथ रिव्यू करती हूँ. आप मेरे स्किन केयर वीडियोज भी देखते रहते होंगे, मॉर्निंग इवनिंग स्किन केयर जितना मैं शूट कर पाती हूँ उतना मैं करती हूँ. एंड मुझे ना एक बहुत एक वियर्ड हैबिट है, वियर्ड कह लो या वैसे ही मेरी स्किन केयर हैबिट है, दैट आई नीड टू वॉश माई फेस लाइक एटलीस्ट थ्राइस अ डे. सो तीन बार तो मुझे धोना ही धोना है अपना फेस. सो मॉर्निंग का मैं अलग स्किन केयर करती हूँ, तभी मैं कोई जेल बेस्ड या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ऑब्वियसली यूज करती हूँ. देन मिड डे में आई वॉश माई फेस, क्लीन माई फेस, बिकॉज आई फील दैट इज अ गुड हैबिट एंड दैट एक्चुअली कीप्स माई स्किन वेरी वेरी क्लीन और मेरी स्किन ब्रीथ करती रहती है. और आजकल ना काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप विंटर्स में जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स क्यों ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और इनका क्यों रिव्यू कर रहे हो. सो लेट मी टेल यू गाइज कि जेल बेस्ड प्रोडक्ट, फर्स्टली मैंने अपनी स्किन टाइप को चेंज कर लिया, विच आई एम लाइक वेरी वेरी प्राउड ऑफ. तो मैं हर दूसरी तीसरी वीडियो में ये चीज़ बता देती हूँ कि मैंने मेरा स्किन टाइप जो था नॉर्मल टू ड्राई था, और विंटर्स में मेरी स्किन काफ़ी ड्राई रहने लग गई थी, काफ़ी स्ट्रेची होने लगी थी. बट विद ड्यू कोर्स एंड बिकॉज ऑफ द स्किन केयर दैट आई डू एंड बिकॉज ऑफ द इंग्रीडियंट्स दैट आई यूज ऑन माई स्किन और मेरा जो भी एक नॉर्मल स्किन केयर रिज्यूम रहा है अपनी स्किन के लिए, मैंने अपनी स्किन टाइप को चेंज कर लिया, नॉर्मल कर लिया है. सो बेसिकली आई कैन यूज मोस्टली ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू नो वर्क फॉर इवन ऑयली स्किन एंड इवन फॉर ड्राई स्किन. सो आई कैन एक्चुअली गेट अवे विद अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. सो इसीलिए मैं जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लेती हूँ विंटर्स में. एंड पता क्या होता है, हम ना विंटर्स ठीक है बाहर अगर हम कहीं आउटडोर सिटिंग में बैठे हैं इट्स लाइक वेरी वेरी ड्राई, बट आप किसी कैफे में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, पता है क्या, वो इतना ह्यूमिड करके रखते हैं अंदर, सारे एसी वगैरह ऑफ होते हैं, कोई फैन नहीं चल रहा, एंड इट्स लाइक वेरी वेरी हॉट इनसाइड, राइट. सो अगर आपने क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर ही लगाया है, देन उसके ऊपर क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है, और आजकल हम ना मेकअप करने से पहले कभी स्ट्रोब क्रीम लगा रहे हैं, कभी लूमी क्रीम लगा रहे हैं, देन वी नीड दैट ड्यूई बेस्ड और क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, क्रीम बेस्ड हाईलाइटर लग रहा है. सो आई फील दैट बिकम्स लाइक वे टू मच, एंड उसके ऊपर हम आजकल मास्क जो पहनना पड़ता है, सो इट लाइक आई फील दैट इट बिकम्स वे टू मच फॉर मी. सो इसीलिए मैं नीचे ना एक जेल बेस्ड, ठंडा ठंडा जेल बेस्ड प्रोडक्ट लगाती हूँ ताकि मेरी स्किन के पोर्स एकदम टाइट रहें. एंड जब भी मैं ये जेल्स यूज़ करती हूँ ना, कोई भी जेल बेस्ड प्रोडक्ट, आई मेक श्योर कि मैं उसको फ्रिज में रखूँ. मेरा फ्रिज आधे से ज़्यादा भरा रहता है, घर वाले बोलते रहते हैं क्या फ्रिज में क्या है ये, क्या प्रोडक्ट रखे हुए. सो उससे ना पोर्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं एंड मेरी स्किन बहुत अच्छे से नरिश रहती है. सो आई बिलीव इन दैट. सो और मैं जब भी कोई जेल लगाती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं 2 मिनट के लिए अपनी स्किन पे मसाज करूँ पूरा टाइम देख के, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है. एंड ठंडा जेल होता है तो पोर टाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है, ठीक है. एंड उसके बाद मेकअप भी मेरा लंबे टाइम तक रहता है. सो बिकॉज हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट एक के ऊपर एक लगाते हैं, कभी हाइलाइटिंग प्राइमर लगा रहे हैं, कभी स्ट्रोब क्रीम लगा रहे हैं, फाउंडेशन, क्रीम बेस्ड हाईलाइटर, क्रीम ब्लश. सो आई थिंक जब भी हम कहीं इंडोर जाते हैं ना और वहाँ पे एसी वगैरह बंद होता है और सब कुछ, मेरे को ऐसा लगता है बहुत ना ह्यूमिड रहता है, और मास्क के नीचे अगर सब कुछ इतना ऑयली है ना, तो आई फील कि मुझे ना सफोकेट हो रहा है और मेरी स्किन भी सफोकेट होती है. सो दैट्स वाई आई प्रेफर जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स. एंड ऑल्सो थैंकफुली बिकॉज ऑफ माई स्किन टाइप आई कैन एक्चुअली गेट अवे विद दैम. सो या थोड़ा ज़्यादा लेक्चर दे दिया मैंने, अपना ज्ञान दे दिया, बट येस ऑल इन ऑल अगर आपको एलोवेरा जेल या हिमालय का खरीदना है, सो इट्स लाइक वेरी मॉइस्चराइजिंग बट इज अ थिन जेल, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो. मेकअप के अंडर बहुत अच्छे से सिट करता है, नाइट टाइम में थिक लेयर लगा लो बहुत अच्छे से वर्क करता है, मॉर्निंग में अगर 15-20 मिनट्स के लिए लगाना है वो भी अच्छे से वर्क करता है, डे मॉइस्चराइजर अच्छे से वर्क करता है, नाइट टाइम के लिए अच्छे से वर्क करता है. सो इन केस यू डोंट हैव एनी इशूज विद हिमालय एज अ ब्रांड, then it's a good affordable moisturizing gel. It's not the purest form, but yes, it's a good gel. So yeah, that's all for the review today. I hope aapko review pasand aaya hoga, and agar pasand aaya hai then do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys, bye bye.